subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, question number 5. What is meant by the power of accommodation of the human eye? What is the maximum power of accommodation of a normal human eye? पहले हमें बताना है कि power of accommodation क्या होता है, फिर उस power की हमें maximum value भी बतानी, ठीक है? Power क्या होता है? Reciprocal of focal length, right? हमारे eye में भी एक eye lens होती है, उसका भी एक focal length होता है, उसकी हमें power बतानी है। पहले हम समझते हैं power of accommodation होता है। The ability of eye length of the human eye to adjust its focal length to focus on nearby objects and far away objects is called power of accommodation. हमारी eye lens की ये खूबी है कि दूर की object को देखने के लिए और पास की object को देखने के लिए अपनी focal length की value को वो change कर सकता है, ठीक है? कम या ज्यादा कर सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये जो चेंज कर सकता है आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को, जिससे दूर के ऑब्जेक्ट या पास के ऑब्जेक्ट पे वो फोकस कर सके, इस एडजस्टमेंट को या इस एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इस पावर ऑफ अकोमोडेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसको हम देखते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 4 डायोप्टर। क्या वैल्यू है इसकी मैक्सिमम? 4 डायोप्टर। ये 4 डायोप्टर कैसे आता है इसको हम देखते हैं। हमें पता है पावर क्या होता है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, राइट? और अगर हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहे हैं तो 100 अपॉन एफ करना पड़ेगा, अदरवाइज 1/f भी कर सकते हैं। अब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और जो पास का जो डिस्टेंस है मतलब नियर पॉइंट है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है वो कितना है? इन्फिनिटी है। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट है उसके रेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो पास की जो रेंज है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, उसी को हम मान लेते हैं फोकल लेंथ। तो जो नियर पॉइंट है उसकी वैल्यू हम 25 सेंटीमीटर को फोकल लेंथ मान के हम जब 100 से डिवाइड करते हैं या पावर निकालते हैं तो हमें मिलता है 4, जिसकी यूनिट है डी, डायोप्टर। तो 4 डायोप्टर इस तरह से पावर की वैल्यू आ जाती है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। ये सॉल्व करके दिखाना आपको जरूरी नहीं है, इसको आप ऐसा वैल्यू की तरह भी याद कर सकते हो कि 4 डायोप्टर है। अब ये 4 डायोप्टर आया कैसे? 100 अपॉन f में f की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर क्या है? नियर पॉइंट।